देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। उत्तराखंड के देहरादून में नॉर्थ इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के समस्त घटक राज्यों के प्रतिनिधियों का विद्युत संशोधन बिल 2014 के विरोध में विशाल महासम्मेलन आयोजित किया गया। नॉर्थ इंडियन इंजीनियर फ्रेंड फेडरेशन के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि केंद्र सरकार ने बजट सत्र के दौरान विद्युत संशोधन बिल 2014 को पारित करने की एक तरफा कोशिश की तो देश के तमाम 25 लाख बिजली कर्मचारी एवं अभियंता बिल पेश होने के साथ ही पूरे देश में एक दिन की हड़ताल व कार्य बहिष्कार करेंगे। और बताया कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रदर्शन पर एक दिन की हड़ताल का नोटिस केंद्र सरकार को दे चुके हैं। साथ ही कहा कि निजी घरों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार बिजली उपभोक्ताओं, बिजली कर्मचारियों एवं बिजली इंजीनियरों के विरोध के बावजूद केंद्र सरकार विद्युत संशोधन बिल 2014 को बजट सत्र में पारित करने की कोशिश की जा रही है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट देहरादून। केंद्र सरकार ने सातवां वेतन पुनरीक्षण 1.5 साल पहले कर दिया था, उसके बाद उत्तराखंड की राज्य सरकार ने एक तो विलंब से वेतन पुनरीक्षण किया है और वेतन पुनरीक्षण में बिजली कर्मचारियों को, बिजली इंजीनियरों को, उनका एक अलग स्टेटस होता है क्योंकि उनकी कार्य की परिस्थितियाँ अलग हैं, कार्य की बहुत विपरीत परिस्थितियाँ हैं, 24 घंटे उनको काम करना पड़ता है, खास करके पहाड़ी क्षेत्र में जिस प्रकार से जाड़े के दिनों में या अन्य किसी अवसर पर भी बिजली कर्मचारियों को काम करना पड़ता है। इसको देखते हुए न केवल उत्तराखंड में बल्कि सारे देश में बिजली कर्मचारियों और बिजली इंजीनियरों को राज्य सरकार के कर्मियों के मुकाबले स्टार्टिंग पे भी हायर मिलती है और पहले से ही उनका टाइम स्केल चला आ रहा था। 9 वर्ष की सेवा के बाद पहली पदोन्नति का वेतनमान, 14 वर्ष की सेवा के बाद दूसरी पदोन्नति का वेतनमान और 19 वर्ष की सेवा के बाद तीसरी पदोन्नति का वेतनमान। अभी हाल में जो वेतन पुनरीक्षण यहाँ हुए हैं उत्तराखंड में, उसमें कर्मचारियों के साथ बड़ा भेदभाव किया गया है। उनके जो स्टार्टिंग पे थी वह भी कम कर दी गई है, राज्य सरकार के कर्मियों के बराबर कर दी गई है। और सबसे आघात पहुंचाने वाली बात यह है कि 9 साल, 14 साल और 19 साल के बाद जो अगली पदोन्नति के वेतनमान मिलते थे उनकी समयावधि बदल दी गई है। आप देख रहे हैं प्राइम स्टोरी।